दोस्तों, अगर आप चाहते हैं सिर्फ 7 दिनों के अंदर 10,000 व्यूज अपने चैनल के ऊपर, तो इस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो आपके चैनल के ऊपर 10,000 व्यूज एक हफ्ते के अंदर जल्दी से आ जाएंगे और आप अपने चैनल की मोनेटाइजेशन को ऑन कर पाएंगे। तो प्लीज इस वीडियो को देखते रहें। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये आप माने या ना, जितना सारा खेल YouTube के ऊपर व्यूज का है, वो सारा का सारा आपका टाइटल और आपके टैग्स, एक आपका थंबनेल, ये तीनों चीजों के अंदर ही घूमता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको टाइटल कैसा चूज करना है, क्योंकि YouTube के ऊपर जो भी चीज आपकी स्टार्टिंग में ऊपर सर्च में आएगी, वो आपके टाइटल से ही मैच होकर मैक्सिमम केसेस में आती है। एक मैं एग्जांपल के लिए एक बहुत छोटी सी चीज दिखाता हूं, आप रियली में समझ जाएंगे कि एक टाइटल में एक वर्ड लिखने का कितना इंपैक्ट हो सकता है, जिसको हम कभी नहीं सोचते। हम हमेशा यही सोचते हैं कि इतनी वीडियोस डाली, लेकिन व्यूज ही नहीं आते। अब मैं आपको दिखाता हूं कि एक छोटा सा एक वर्ड चेंज करने से कैसे आपके व्यूज आ सकते हैं। सपोज कीजिए आपका एक रेसिपीज का चैनल है और आप सिखा रहे हैं कि रोटी कैसे बनानी है, तो आप टाइटल क्या लिखेंगे, हाउ टू मेक रोटी। यहां पर सर्च कीजिए हाउ टू मेक रोटी, यहां पर देखिए 7,42,000 रिजल्ट्स हैं। ठीक है, अभी अगर मैं सोचूं कि नहीं यार, मुझे रोटी वर्ड नहीं लिखना, मैं कोई और वर्ड चूज करता हूं, रोटी को हम चपाती भी कहते हैं, यहां पर 7,42,000 थे। अब अगर मैं सिखाऊंगा हाउ टू मेक चपाती, है तो रोटी लेकिन मैंने उसको चपाती लिखकर टाइटल में पब्लिश किया, हाउ टू मेक चपाती। अब जो 7 लाख रिजल्ट्स थे वो आ गए 2,53,000। इसका मतलब कि जो 7 लाख का कंपटीशन था वो अब 2 लाख के ऊपर आ गया, अब प्रोबेबिलिटी बढ़ गई आपकी। तो दोस्तों, यही एक छोटी सी चीज है जिसके अंदर हम सभी लोग मार खाते हैं। हम अपना टाइटल बिना सोचे समझे चूज करते हैं, फिर हम कहते हैं कि हमें व्यूज नहीं आते। आप प्लीज मेरी इन बातों को समझिए ताकि आप जल्दी से अपने व्यूज जो है चैनल के ऊपर ला पाए। एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, पेशेंस बहुत जरूरी है, और दिन के अंदर अगर आपको 10,000 व्यूज चाहिए एक हफ्ते के अंदर, दिन में आपको 5 वीडियोस कम से कम पब्लिश करनी है, क्योंकि ये आपकी स्टार्टिंग स्टेज है। ये नहीं पता कि कौन सी वीडियो आपकी रैंक हो जाए, कौन सी वीडियो चल जाए, तो ये मत सोचिए कि यार 2-3 दिनों के अंदर आपने एक वीडियो पब्लिश करनी है। मैं जनरली देखता हूं लोग कहते हैं कि यार मैं तो थक गया सर चैनल बनाते बनाते, वीडियोस बनाते बनाते। जब मैं उनका चैनल विजिट करता हूं तो वहां पर मुझे मिलती हैं सिर्फ 15-20 वीडियोस। अब आप 15-20 वीडियोस बनाते थक गए तो यूट्यूब की यार लंबी जर्नी को कैसे कर पाएंगे। माइंड में रखिए, दिन के अंदर 4-5 वीडियोस बनाने का अपना टारगेट लेकर चलिए, तभी आप 3 या 4 वीडियोस बना पाएंगे। ठीक है, अब आप जो पहली चीज है वो है कि आपको कम से कम 5 वीडियो पब्लिश करनी है पूरा एक हफ्ता, लेकिन बिना सोचे समझे नहीं करनी। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उसी तरीके से आपको अपना टाइटल ढूंढना है। तो जो भी टाइटल है आपका, जैसे मेरा टाइटल है सपोज की मैं रोटी बनानी सिखानी है, ठीक है, अब मैं रोटी बनाने की वीडियो तो बना ली, अब खेल किस चीज का रह गया, आपके थंबनेल का, आपके टाइटल का और आपके टैग्स का। अब बातें हैं टाइटल के ऊपर, जो आपको टाइटल चूज करना है। आपको यह नहीं लिखना हाउ टू मेक रोटी, ना ही आपको लिखना है हाउ टू मेक चपाती। अगर आपने लिख दिया हाउ टू मेक चपाती तो 2.5 लाख ऐसी वीडियोस हैं जिनमें आपको चपाती की वीडियोस मिलेंगी, तो आपकी वीडियो एक हफ्ते के अंदर कहां ही व्यूज ले पाएगी। तो हम इस रिजल्ट्स को थोड़ा मिनिमाइज करेंगे, हाउ टू मेक चपाती सॉफ्ट। आप एक चपाती ना सिखाइए, आप सॉफ्ट चपाती बनाना सिखाइए। अब अगर मैं सॉफ्ट चपाती बनाना सिखाऊंगा तो मेरा रिजल्ट जो है 1 लाख मेरा कंपटीशन हो गया। थोड़ा और मिनिमाइज करते हैं, हाउ टू मेक चपाती सॉफ्ट इन हिंदी, मैं हिंदी में सिखाऊंगा। अब आपका रिजल्ट आ गया 35,000, 7,42,000 से 35,000 के ऊपर आप आ गए हैं। ठीक है, हाउ टू मेक सॉफ्ट चपाती एट होम इन हिंदी, ये किसी ने सर्च किया हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा ज्यादा कंपटीशन, यहां पे 68,000 का कंपटीशन हो गया, तो प्रीवियस वन बेस्ट है, हाउ टू मेक चपाती सॉफ्ट इन हिंदी, तो इस टाइटल की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनती है। लेकिन आप कोशिश कीजिए अगर यहां पर मैक्सिमम जो रिजल्ट्स हैं वो 5,000 तक रहें, ऐसे टाइटल्स चूज कीजिए। और टाइटल यहां पे नीचे सर्च में होना चाहिए, यहां जब क्लिक लिखें तो नीचे ऐसे आना चाहिए लिखा हुआ, जिन चीजों में नीचे लिखा आ रहा है सारे आपको सर्च रिजल्ट्स शो हो रहे हैं
उनके जिनके अबाउट में यहां पर जो सर्च रिजल्ट्स हैं वो मैक्सिमम 5000 हैं, ऐसी 5 वीडियोस डेली पब्लिश करनी है, फिर आप देखिए कि एक हफ्ते के अंदर ऐसे ऐसे आपके क्विकली व्यूज आएंगे। ये मेरा, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारा मेरा एक्सपेरिमेंटेड है, ये सब कुछ मैं करके देख चुका हूं। ऐसे ऐसे लोग जो मतलब बहुत चैनल्स और हजारों वीडियोस, मे बी 100 वीडियोस तो मैंने देखी हैं जिन्होंने बनाई हैं, फिर भी उनके 10-20 सब्सक्राइबर्स, मैंने ऐसे ऐसे टाइटल्स ढूंढे, ऐसी टॉपिक्स ढूंढे जिनको मैंने डाला, मुझे रियली में व्यूज आ गए, उसका आगरा डाला फिर व्यूज। ये सब चीजें एक्सपेरिमेंटेड हैं, तो प्लीज सारा खेल टाइटल का और टैग्स वगैरह का है, तो टाइटल का थोड़ा ध्यान रखिए किस तरह से। देखिए मैंने आपको बताया कि रोटी या चपाती दोनों में कीवर्ड्स में कितना डिफरेंस है, सिखाया तो आपने रोटी बनानी ही है, अगर आपने रोटी लिखा तो 7 लाख, अगर आपने चपाती लिखा तो 2 लाख, तो कंपटीशन बहुत है। प्लीज आप अपने कीवर्ड्स को पूरा ध्यान से चूज कीजिए अगर आपको व्यूज लेने हैं। ये तो हुई टाइटल की बात, अब अगर बात करें टैग्स की, टैग्स के अंदर आपको टैग्स लगाने जरूरी है और लंबे लंबे टैग्स लगाइए। यहां पर आपको टैग्स क्या लगाने हैं, हाउ टू मेक चपाती डो, हाउ टू मेक चपाती इन रोटी मेकर, हाउ टू मेक चपाती सॉफ्ट इन तेलुगु, हाउ टू मेक चपाती ब्रेड, हाउ टू मेक चपाती एट होम, तो ये सारे आपके टैग्स हैं, ना कि कुछ लोगों के टैग्स देखे उन्होंने लिखा है हाउ एक टैग, हाउ टू मेक एक टैग है, मेक चपाती, अब मेक चपाती ये छोटे छोटे टैग्स नहीं लगाने, टैग्स लंबे टैग्स ढूंढो, लंबे टैग्स ढूंढेंगे तो लंबे टैग्स के अंदर आपकी रैंकिंग जो है टैग वाइज बनेगी। तो इसलिए टैग्स का और टाइटल का ध्यान रखिए यार, व्यूज कैसे नहीं आएंगे, 10,000 व्यूज बहुत जल्दी आ जाएंगे। 5 वीडियो डेली पब्लिश कीजिए, जो वीडियोज हैं उनके टाइटल्स जिस तरह से मैंने बताया ऐसे चूज कीजिए। और यहां अबाउट में जब भी आप कोई टाइटल आपने ढूंढ लिया, हाउ टू मेक चपाती, आपको लगा कि यार हाउ टू मेक चपाती डो, मैं चपाती डो बनाना सिखाऊंगा, ठीक है, या सिखाऊंगी, तो हाउ टू मेक चपाती डो पे जब मैंने क्लिक किया तो यहां पर रिजल्ट्स 56,000 हैं। तो मतलब अभी अगर आपको 10,000 व्यूज एक हफ्ते के अंदर चाहिए तो ये वीडियो आपको नहीं डालनी, हाउ टू मेक चपाती डो, क्योंकि अगर ये डालेंगे तो आपको एक हफ्ते के अंदर व्यूज नहीं आएंगे। हाउ टू मेक चपाती डो इन फूड प्रोसेसर, ठीक है, यहां पर देखिए, ये अगर आपके पास घर में आपके फूड प्रोसेसर है जिसमें आप चपाती डो बनाना सिखा सकते हैं तो इसको डालिए। यहां पर देखिए 3270, कितना कंपटीशन, 7 लाख के कंपटीशन से 3 लाख के अंदर आ गए आप। अब अगर आप हाउ टू मेक चपाती डो इन फूड प्रोसेसर ये चीज सिखाएंगे तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और ऐसी ऐसी जो मैं आपको बता रहा हूं 5000 रिजल्ट से कम वाली, ऐसी आप 5-5 वीडियोस डेली पब्लिश कीजिए। और ऐसा मत सोचिए, पेशेंस रखिए, ये मत सोचिए कि व्यूज नहीं आ रहे, 5-6 वीडियोस पब्लिश कीजिए डेली, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग स्टेज है। अब तो मुझे देखा है, मैं मतलब 2-3 दिन में एक वीडियो पब्लिश करता हूं, इसलिए क्योंकि मेरी पुरानी वीडियोस चल रही हैं और अगर नई वीडियो डालता हूं तो सब्सक्राइबर्स वो वीडियो देख लेते हैं नई वीडियो, तो मेरे केस में मुझे इतनी जरूरत नहीं है कि मैं डेली बेसिस पे 3-3, 4-4, 5-5 वीडियो पब्लिश करूं। लेकिन अगर मेरा स्टार्टिंग स्टेज होती मेरे चैनल की तो मैं भी ऐसे ही करता, मैं भी 5-5, 6-6 वीडियोस डेली पब्लिश करता, क्योंकि उनमें से आपकी कोई भी वीडियो हो सकता है कि 5-6 में से कोई वीडियो चल जाए, ठीक है। तो यही चीज है, प्लीज इसको फॉलो कीजिए, और जैसे ही आपके 10,000 व्यूज आ जाते हैं प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, और ये दोनों वीडियोस को जरूर देख लीजिए। एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, खुश रहें, बाय बाय।